हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ट्रिनिशा और आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में। बेसिकली मैंने मिंत्रा से या फ्लिपकार्ट से, दोनों से मिक्स है एक्चुअली। मैंने कुछ कुर्ता सेट्स ऑर्डर किए थे। तो अभी जैसे फेस्टिव सीजन गया है, बट स्टिल वेडिंग सीजन आ रहा है। अभी बहुत सारी शादियाँ होंगी जिसमें आपको अटेंड करना होगा। आई नो ये थोड़ा ठंडी वाली शादी होगी, बट स्टिल मतलब फैशन कहाँ ही आउट होता है। बट हमें थोड़ा चाहिए होता है कि ट्रेंडी क्लासिक क्लोथ, जो कि हम किसी की वेडिंग में पहन सके, अटेंड कर सके किसी की वेडिंग, तो उस क्लोथ के साथ कर सके। सो इस वीडियो में हम उन्हीं 3-4 कुर्तीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट येट। अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना भी अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बात करना चाहती हूँ। सो द प्रोडक्ट इज दिस ब्लश बी का ये लिप नरिशिंग लिक्विड लिपस्टिक है। इसका जो शेड है वो क्रश है, इस तरह की कुछ पैकेजिंग में ये आता है। दिस इज रियली ब्यूटीफुल शेड। अगर आप कुछ न्यूड ब्राउन में देखना चाह रहे हो, हल्का ब्राउन ऑरेंजेस में आप देखना चाह रहे हो, तो ये बहुत ही प्रिटी शेड है आपके लिए। इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप थोड़े डार्क स्किन टोन के हो तो आपको ये थोड़ा वॉश आउट कर सकता है, बट फेयर स्किन पे ये के लिए ये परफेक्ट परफेक्ट ये आपको न्यूड शेड आप बोल सकते हो उनके लिए ये है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है एंड इसका एक स्ट्रोक आपके लिप्स के लिए इनफ है, आपको बहुत ही अच्छा सा शेड दे देगा। इधर आप देख रहे होगे, मैंने आपको डेमो दिया हुआ है कि लगाने के बाद ये कैसा लगता है बेसिकली। सो या अभी भी आप देख सकते हो मेरे लिप्स पे हल्का वही लगा हुआ है। मैंने दो शेड्स एक्चुअली मिक्स किए थे और ये शेड जो है वो बहुत ही प्रिटी और बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्मेल नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मैट नहीं है, आपके लिप्स पे ड्राइंग नहीं हुआ। आप देख सकते हो मेरे लिप्स पूरे तरह से ड्राई नहीं हुए हैं, ड्राई नहीं लग रहे हैं, फटे फटे चैप्ड नहीं लग रहे हैं बेसिकली। सो इसका जो शेड है वो है इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपका ये शेड है। सेम शेड मैंने यहाँ पर भी स्वॉच करके रखा है, तो इस तरह की शेड में आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट न्यूड ब्राउन शेड है। आई रियली लाइक इट। इसकी कंसिस्टेंसी से लेके एवरीथिंग, इसमें कोई भी हार्ड स्मेल नहीं है, कोई भी हार्ड स्मेल नहीं जो आपको माइग्रेन या सर दर्द दे दे। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार जाकर इसको चेकआउट करो, बहुत ही ऑसम शेड है। इसमें और भी मल्टीपल शेड्स आप वो भी परचेज कर सकते हो। ब्लश बी की लिपस्टिक आयल से आई पर्सनली लाइक इट, क्योंकि मैट होने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा, आप देखो ट्रांसफर प्रूफ भी नहीं है, मैट होने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग नहीं है लिप्स पे, दैट्स वाई आई रियली लाइक इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड प्रोडक्ट, बेसिकली जो सेकंड प्रोडक्ट है वो इन्हीं की तरफ से है, ब्लू काजल बेसिकली, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसकी भी जो वो ब्लूनेस है ना, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगी है, जो इन्होंने डार्क ब्लू शेड दे रखा है। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। नाउ दिस इज हाउ द काजल लुक्स लाइक। काजल आपको नॉर्मल ब्लैक पैकेजिंग में कलर शेड के साथ यहाँ पर मिला दिख जाएगा, मिड नाइट ब्लू शेड इज मिड नाइट ब्लू। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, रिट्रैक्टेबल में है, पेंसिल में है। आपको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका स्वॉच इस तरह की ये ब्लू शेड में है, जो कि बहुत ही प्रिटी लगता है आईज पे लगाने के बाद, हल्का आपको ब्लू शेड मिलेगा। सो आई रियली लाइक दिस ऑल्सो। ये बहुत ही, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको पांडा आईज वाली फील नहीं देगा। नेक्स्ट डे जो मैंने इसको यूज़ किया था तो छठ पूजा में, तो मेरे को अच्छा लगा, और उसके बाद ये जो पांडा आईज मुझे नहीं दिया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, दैट्स आई रियली लाइक इट। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको भी चेकआउट करो। इन दोनों का जो लिंक होगा ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप आराम से जाकर वहाँ चेक कर सकते हो, वहाँ से परचेज कर सकते हो। और आप मुझे आकर फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये यूज़ करने के बाद कैसा लगा। सो ये चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मरून रेड कलर में ये है, वो कुर्ता सेट बेसिकली। सो ये ना मेरे विशलिस्ट में बहुत दिनों से था। आई वॉज लाइक कि मुझे ये परचेज करना ही है, करना ही है, मैं बहुत दिन से देख रही थी, बट इसमें जो मेरा साइज था वो अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो मेरे को मिंत्रा पे ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा कि अच्छा इसका मेरा साइज अवेलेबल है, तो मैंने जल्दी से वहाँ पे गई और मैंने इसको परचेज कर लिया। सो चलिए बात करते हैं इस कुर्ता सेट की, कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। इसमें आपको एक दुपट्टा, कुर्ता और स्ट्रेट पैंट मिल जाता है, मतलब प्रॉपर आपका ये सेट है। और इन सबकी जो भी लिंक होगी ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और इनका जो भी वेबसाइट पे मेरे कैसा लगा था, मेरे को पहनने के बाद मेरे पे कैसा लग रहा है, वो सब आपको साइड बाय साइड स्क्रीन पे दिख जाएगा। और इनकी परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको
आपको चाहिए, इसका प्राइस क्या है एंड मैंने कितने में परचेज किया, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज लेट्स टॉक अबाउट द दुपट्टा फर्स्ट। तो जो दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा सिफोन रेड कलर में है, हल्का लाइट कलर है कंपेरेटिवली आपका इस चीज से, जो कुर्ता सेट है उससे इस तरह की शेड में आपको मिल जाएगा। आप देखो कितना प्रिटी रेड शिफोन दुपट्टा है ये, इसमें आपको गोल्डन प्रिंट मिल जाता है। मैं आपको उल्टे से दिखाई थी, ये देखो आपको गोल्डन प्रिंट इस तरह से मिल जाता है और दुपट्टे की जो लेंथ है वो बहुत ही सही है, इस तरह से अच्छी खासी लेंथ आपको मिल जाती है। विड्थ भी बहुत ही अच्छी है और पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी लगती है, वेदर आप डार्क स्किन टोन के हो लाइट स्किन टोन पे ओके हो मैटर नहीं करता, सब पे बहुत ही अच्छे से चला जाता है। सो दिस दुपट्टा इज ऑसम, बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप देखो अगर मैं इसको फोल्ड करूँ ना तो ये ऐसे मेरी मुट्ठी में आ जाता है बेसिकली, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्लासी और बहुत ही अच्छा है फैब्रिक एंड एवरीथिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द कुर्ता, सो जो इसका कुर्ता है वो कुछ इस तरह से आपको इसका कुर्ता मिलता है, ये आपको स्ट्रैप में मिल जाता है ये कुर्ता इस तरह से इसके फ्रंट में। पहले मैं इसके नेक की बात करती हूँ, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट इज इन द साइज स्मॉल और ये है बाय द ब्रांड विशुद्ध। इस तरह से इसका स्ट्रैप है, आपको ये पूरा प्रिंट मिल जाता है गोल्डन में। इन्होंने वेबसाइट पे दिखाया था कि ये जो प्रिंट है ना वो सिल्वर है, बट मेरे को गोल्डन रिसीव हुई, बट स्टिल ये अच्छी लग रही है गोल्डन के साथ भी। सो स्ट्रैप जो है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है और पहनते वक्त आपको साइड में यहाँ पर चेन मिल जाता है, तो वो आराम से आप इसको यहाँ पे फिटिंग के लिए आराम से इसको अनजिप करके पहन सकते हो, फिर आप बाद में अपने अकॉर्डिंग जिप कर लो। सो मेरे को ये स्ट्रैप वाले कुर्ते बेसिकली पर्सनली ज़्यादा प्रेफरेंस मैं रखती हूँ इस साइड से, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह के कुर्ते। सो इस तरह से आप देखो आपको इसकी लेंथ अच्छी खासी मिल जाती है, इतना लेंथ आपको मिल जाती है एंड बैक आपको इसका प्लेन मिल जाता है इस तरह से। फ्रंट प्रिंट आप देखोगे रबर प्रिंट आप बोल सकते हो इसको, कि रबर प्रिंट आपको इस तरह से मिलता है एंड एंड जाते जाते ये इस तरह के प्रिंट में कन्वर्ट होता है वी शेप बेसिकली। इसके नीचे में आपको इस तरह से फ्लावर प्रिंट एवरीवेयर मिल जाता है जो कि बहुत ही प्रिटी लगता है पहनने के बाद आई मस्ट से। सो मेरे को तो ये 820 में पड़ा था, बट आई थिंक मैंने कूपन लगाया था तब मुझे जाके 820 में पड़ा था, इसका प्राइस 1000 समथिंग है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रैप सॉरी स्ट्रेट पैंट के बारे में। तो इसका जो स्ट्रेट पैंट है वो कुछ इस तरह से है, आप देखो आपको ये इलास्टिक नॉर्मल स्ट्रेट पैंट मिल जाता है और फैब्रिक हल्का आपको लुक में लगेगा कि ये सिल्क है, बट ये सिल्क फैब्रिक में नहीं मिलता है आपको। धोने के बाद या समथिंग के बाद भी ये श्रिंक एज इफ तो मुझे नहीं लगता है कि होता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इसका स्ट्रेट पैंट इस तरह से आपको प्लेन स्ट्रेट पैंट मिल जाता है मरून में। इसकी जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही अच्छी है, थोड़ा भी वो रफ नहीं है, कहीं से आपको गरेगा नहीं चुभेगा नहीं उस तरह से नहीं है ये। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड सेट, तो सेकंड सेट जो है वो प्रॉपर आपको वो सिल्क वाला वाइब देगा, आप सिल्क बोल भी सकते हो उसको, मेरे को तो वो सिल्क ही लगा, आई डोंट नो क्या बोलते हो उस मटेरियल को। सो दिस इज दिस सेट इन येलो कलर, इस तरह के सेट में है येलो का। तो इस पे पहले पजामे की बात कर लेते हैं हम, इसमें भी आपको कुर्ता पजामा और दुपट्टा तीनों मिल जाते हैं। सो पजामा की बात पहले कर लेते हैं, तो पजामा इस तरह से आपको येलो में मिल जाता है प्लेन येलो, इसमें भी आपको स्ट्रेट पैंट मिलता है और इसकी जो बॉर्डर है ना वो आपको इस तरह से सिल्क वाले जो कुर्ता है बेसिकली उसी का स्ट्रैप आपको इसके बॉर्डर पे भी एंड में मिल जाता है। पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, बट एक थिंग जो मुझे नहीं अच्छी लगी है वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या चीज़ है जो मुझे इस कुर्ते के बारे में उतनी अच्छी नहीं लगी है। बात करते हैं फिटिंग की, तो इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो परचेस किया आई थिंक मीडियम, और पहले इसके दुपट्टे के बारे में बात करते हैं, इसका दुपट्टा इज लव बेसिकली, मुझे इतना पसंद आया इसका दुपट्टा, इस तरह से दुपट्टा इसका रहता है येलो कलर में, आपको बड़ी सी सिल्क की जो दुपट्टा बोलते हैं ना आप वो आपको मिल जाती है, इस तरह का बॉर्डर है आपको और पूरे में इस तरह से प्रिंट आपको मिल जाएगा एंड एट द एंड आपको इस तरह से ये ब्लू पिंक में आपको इस तरह की पैटर्न मिल जाएगी, डिजाइनिंग मिल जाएगी पूरे दुपट्टे की। लेंथ विड्थ बहुत ही अच्छी है, आराम से किसी भी हाइट के लोग इसको ले सकते हैं। एंड में आपको इस तरह से टैसल्स मिल जाएंगे, डिजाइंड टैसल्स एंड में दोनों साइड में, सिर्फ विड्थ वाले साइज पे, लेंथ वाले साइज पे आपको प्लेन ये बॉर्डर सिर्फ मिलेगा। सो स्टार्टिंग एंड एंड इज लाइक दिस ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप पार्ट, बेसिकली इसका जो कुर्ता है वो इसका जो कुर्ता है ना वो इस तरह से आपको स्ट्रैप मिलेगा बेसिकली, ये भी एक स्ट्रैप है, बट द थिंग इज दैट इसकी फिटिंग जो है कंपैरेटिवली जो मैंने आपको रेड वाली दिखाई थी उससे थोड़ी सी वियर्ड है। यहाँ नेक के पास हुई अजीब सा ही ये एंगल बन जाता है, आई डोंट नो वाई वॉय इस तरह से है ये। आप देखो इसका जो फ्रंट है वो कुछ इस तरह से, इन्होंने एडजस्टेबल स्ट्रैप दिया है बट स्टिल शायद मेरे बॉडी टाइप पे नहीं फिट हो रहा होगा, मे बी आपके बॉडी टाइप पे ये फिट हो जाए बट मेरे बॉडी टाइप पे ये फिट उतनी अच्छे से नहीं हुआ जितने अच्छे से वो रेड वाला हो रहा था। सो इस तरह से आपको ये मिल जाता है, आपका जो फ्रंट है वो कुछ इस तरह से है, बैक आपको प्लेन मिल जाएगा, फ्रंट आपको वी नेक मिल जाता है और बैक भी आपको वी नेक सेम नेक आपको फ्रंट एंड बैक में मिलती है, बैक प्लेन एंड फ्रंट में आपको इस तरह से पूरा प्रिंट मिलेगा एंड एट द एंड जो दुपट्टे में उन्होंने वो ब्लू रेड वाली पैटर्न दी हुई थी ना सेम पैटर्न आपको इस तरह से एंड पे भी मिल जाएगा यहाँ पर।
अब देखो, और अगर इसकी फैब्रिक की बात करें, फैब्रिक इज टू गुड। इन्होंने अंदर से लाइनिंग भी दी हुई है कपड़े की, तो इस तरह से आपको अंदर में लाइनिंग भी मिल जाती है, तो सी थ्रू का तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। आई विल से कि आप एक बार ट्राई करो वेदर आपकी बॉडी को ये सूट कर रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे बॉडी टाइप पे वो उतने अच्छे से फिट नहीं हुआ, मे बी आपके बॉडी को वो फिट हो जाए, आई डोंट नो, मे बी। सो या दिस इज हाउ इट इज। बस फिटिंग का ही मुझे थोड़ा सा इशू है कि ये नेक थोड़ी सी लो चली जाती है, बस यही मेरे को दिक्कत है इससे, और एज सच कोई इशू नहीं है फैब्रिक वाइज एंड कलर वाइज एंड एवरीथिंग। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप पिंक, रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, जो चाहो वो पिक कर सकते हो। तो मैं उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके पिक कर सकते हो कोई भी। अब बात करते हैं लास्ट कुर्ता सेट की, जिसमें आपको दुपट्टा नहीं मिलता है, बस कुर्ता और स्ट्रेट पैंट मिल जाता है बेसिकली, वो भी सिल्क पैटर्न में, और वो ना डुअल टोन सिल्क पैटर्न में है आपका। तो वो जो सेट है वो है ये, दिस इज द सेट बेसिकली। आप देखो इस तरह से डुअल टोन में है, मैं बोल रही थी हल्का ब्लू दिखता है, बट ये डार्क पर्पल आप बोल सकते हो, बैगनी कलर होता है ना, वो बैगनी कलर है ये, बट अगर आप देखोगे तो डुअल टोन आपको इसमें मिलता है, ब्लू एंड बैगनी दोनों मिक्स टाइप में। बात करते हैं इसके पजामे की बेसिकली, सो इसका जो पजामा है आपको इस तरह से मिल जाएगा। फिटिंग वाइज ये परफेक्ट था, फिटिंग अच्छे से हो जाता है, बट लोअर बॉटम अगर आपका हेवी है मेरी तरह तो आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। इस तरह से आपको मिल जाता है, बॉटम में आपको ये बहुत ही सही था, ये सारा जरी का वर्क है। आप देखोगे अगर नज़दीक से तो ग्रीन एंड गोल्डन का ये पूरा जरी का वर्क है, ये किसी भी तरह से आपको पैटर्न साटा हुआ नहीं है, फैब्रिक साटा हुआ नहीं है, ये पूरा जरी का वर्क है। एक लेस है अगर मैं बोलूँ तो, पता नहीं, हाँ लेस इन्होंने लगा रखा है, और ये लेस पूरा जरी का है। इतने कम में इतना अच्छा जरी का वर्क इन्होंने दे रखा है, आई रियली लाइक डेट। सो अब बात करते हैं कुर्ते की। सो जो कुर्ता है वो कुछ इस तरह से कुर्ता आपको मिल जाता है, इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो किया है स्मॉल। कुर्ता आपको प्लेन मिल जाता है, पूरा प्लेन कुर्ता है, बैक से भी पूरा प्लेन है, आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है इसमें, एंड स्लीव्स में आपको सेम जरी का वर्क यहाँ पर भी मिल जाता है स्लीव्स पे दोनों एंड में, एंड द नेक इज ब्यूटीफुल। इस तरह से आपको ये नेक में आप देखोगे राउंड नेक आपको मिलता है, और नेक में इस तरह का पैटर्न पूरा जरी का वर्क किया हुआ है। ये फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ब्रीदेबल है, और बहुत ही अच्छा है, और इसका जो वर्क है आप एक बार नज़दीक से देखो कितना प्रिटी जरी का वर्क इन्होंने किया हुआ है, मुझे बहुत ही प्रिटी लग रहा है। पहनने का तो आपको डुअल टोन आएगा, तो अगर आप किसी पार्टी के लिए कर चाह रहे हो तो आप इसको पेयर अप कर सकते हो। रही बात दुपट्टे की, तो आप दुपट्टा इसके साथ ग्रीन एंड गोल्डन कोई भी कलर पिक कर सकते हो, तो वो इसके साथ चला ही जाएगा। सो या आई लाइक इट। अगर मैं इसको रैंक करना चाहूँ तीनों को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, तो आई वुड से द रेड वन इज द फर्स्ट वन, देन दिस पर्पल वन, देन द थर्ड वन येलो वन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट येट। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।